प्रधानमंत्री जी की निर्णय के आधार पे उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो हमारी एनएसटीआई काम करता था उसी कैंपस के अंदर लगभग 60 करोड़ रुपया खर्चा करके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की को बनाया गया था। बनने के बाद उसमें चला उसको कैसे चलाने की प्रक्रिया उसको बनाए, हमने कानपुर आईआईटी को बात किया, उनको जिम्मेवारी दिया, उस स्किल डेवलपमेंट सेंटर को, उस आईआईएस को चलाने का व्यवस्था कानपुर आईआईटी के हाथ में रहेगा। पास में झांसी में डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, हमारी देश में मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को जो प्रायोरिटी दिया जा रहा है उसी प्रोग्राम के तहत आज हमारी देश में 1,08,000 करोड़ रुपया की डिफेंस प्रोडक्शन हो चुका है, हमारी डिफेंस इंपोर्ट घट रहा है, डिफेंस रिवर्स डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। पिछले साल हमने 16,000 करोड़ रुपया का डिफेंस कमोडिटी एक्सपोर्ट किया। जब देश एक बहुत बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब होने वाला है तो स्किल मैन पावर भी चाहिएगा, डिफरेंट लेवल के स्किल मैन पावर चाहिएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हाल दसों जैसे बड़े प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इसके साथ हैं, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट साथ आए हैं, तो ये सारे कॉमन कोलाबोरेटिव आर्किटेक्चर बनी है आईआईटी कानपुर के हाथ में। कानपुर आईआईटी में शुरू से ही अवियोनिक्स में बहुत सारे नॉलेज रिपोजिटरी है, आपको जान के आश्चर्य और खुशी भी होगा, कानपुर आईआईटी के परिसर में एक छोटा एयर स्ट्रिप भी है। तो ये सारे को एक मल्टीडिसिप्लिनरी करने के लिए जो 5 सेक्टर उन्होंने तय किया है, डिफेंस, हेल्थ केयर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स एंड एग्रीकल्चर, ये सारे सेक्टर में स्किलिंग, रिस्किलिंग और अपस्किलिंग की एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये बनेगा, इसकी सारे आज एमओयू वगैरह तय किया गया है। देखिए धीरे धीरे हमारी देश की इंडस्ट्री को, उद्योग जगत को इसमें इंस्टीट्यूशनल तरीके से जोड़ना पड़ेगा। पिछले दिनों में भी स्किल सेक्टर की सबसे जो बड़ी चुनौती है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है, आने वाले दिनों में कौन सी सेक्टर में क्या टेक्नोलॉजी आने वाला है, उसमें से क्या स्किल सेट्स लगेगी, इसकी जानकारी उस सेक्टर में काम करने वाली इंडस्ट्री को है, इसलिए उनको इन्वॉल्व करना, क्वालिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करना, ये एस्पिरेशनल होना चाहिए। इस सेंटर में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको सर्टिफिकेट आईआईएस और आईआईटी कानपुर दोनों की कोलाबोरेटिव सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सब रिकमेंडेशन एनईपी के अंदर है। इसको एस्पिरेशनल बनाना, उसको उद्योग से जोड़ना और उसमें से ध्यान देना ज्यादा एंटरप्रेन्योर बने। आफ्टरऑल आने वाले दिनों में अगर हमारी डिफेंस प्रोडक्शन को 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख करना है, बहुत सारे एंसिलरी बनेंगे, एंसिलरी बनने के लिए टेक्निकल नो हाउ होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में समझ होनी चाहिए, ये सेंटर उस दिशा में काम करेगा। और आने वाले दिनों में हम ऐसे सारे उद्योगों को, सारे स्किल सेंटर्स को भारत सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर हम एक देश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़े उसकी काम हम करेंगे। देखो हमारी देश की दो स्टैटिस्टिक्स का आपके सामने मैं कहूं, एक हमारी देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्लास 6 से लेकर 12 तक वोकेशनल एजुकेशन को, स्किल एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन की पार्ट किया जाएगा, यानी एक सब्जेक्ट के नाते उनको पढ़ाया जाएगा। जितने सारे हमारे पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, जितने हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, उससे उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को एक प्रकार से स्किलिंग और रिस्किलिंग में जोड़ना पड़ेगा। और आज हमारी उसकी संख्या लगभग देश में, अगर आप लाभ के नंबर कहो तो हमारी टारगेट तो हमारी देश में इस श्रेणी में जो पढ़ने वाले लगभग 30 करोड़ बच्चे हैं, धीरे धीरे उसमें से जुड़े, उसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने बनाई है। दूसरी ओर देश में जो लगभग 45-50 करोड़ वर्कफोर्स है, आज हमारे देश के वर्कफोर्स की साइज बढ़ रही है, 2017-18 की तुलना में
आज हम 7% वर्कफोर्स की साइज को बढ़ाए हैं और उसमें से महिलाओं की साइज बढ़ी है। ये सबको ध्यान में रखते हुए हमारे वर्कफोर्स को रीस्किल और अपस्किल करना, यानी ये भी लगभग 30-40 करोड़ माने आबादी के 60-70 करोड़ लोग इस नया आर्किटेक्चर के लाभार्थी हो सकते हैं। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।